नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिसेन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। हिंगनघाट शहर के संत तुकड़ोची वार्ड परिसर में चोरों ने बड़ी चोरी करते हुए 16 तोले सोना और 20,000 रुपए नकदी पे अपना हाथ साफ किया है, तो उसके बाजू के घर चांदी के आभूषण और चांदी के बर्तन ऐसा 75,000 रुपए का माल चोरों ने चोरी किया है। घटना के दौरान दो परिवार बाहर गाँव गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के पिंपल गांव रोड के संत तुकड़ोची वार्ड के माड़ा क्वार्टर परिसर के प्रमोद पंडावार ये निवास पर नहीं थे। वह नागपुर अपने परिवार के पास गए थे। सोमवार को जब वो अपने निवास पर पहुंचे, तब उनको मुख्य प्रवेश द्वार का ताला टूटा हुआ नजर आया। प्रमोद बंडावार इनके घर से चोरों ने चांदी का पानदान, चांदी का ग्लास, चांदी के दो चम्मच और एक चांदी का छल्ला चोरी किया है। इस दौरान बंडावार ने वानखड़े को चोरी की जानकारी दी, तब वानखड़े के घर में चोरी होने की बात आगे आई। इस वक्त पुलिस के साथ घर के चोरी की छानबीन की गई, तब वानखड़े के घर से 16 तोले सोना और 20,000 नकदी पे चोरों ने हाथ साफ किया, यह पता चला। चोरी रविवार की रात के दरमियान होने का अंदेशा है। पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड और फिंगर एक्सपर्ट में घटना का जायजा लिया है। हिंगनघाट पुलिस द्वारा छानबीन शुरू है। पिंपळगाव परिसरात दोन मोठ्या घरांची चोरी झाली आहे। एका ठिकाणी 16 तोळे सोनं, 20,000 रुपये कॅश, एका ठिकाणी चांदीचे भांडे गेलेले आहे। किंवा आपण ज्यांच्या घरी चोरी झाली त्यांना विचारू, काका मला सांगा चोरी झाली आपल्याकडून काय काय गेलं, कशी चोरी झाली? आता मी बाहेरगावी गेलो होतो आणि माझ्या बाजूचे ते पण बाहेरगावी गेले होते। मी काल सोमवारला 2:15 घरी पोचलो, किंवा माझ्या घरचं तुला पुतलेलं दिसलं। मग मी माझ्या बाजूच्यांना फोन केला, ते पण म्हणे की मी बाहेरगावी आहे। त्यांचे घर बघितले, मी त्यांच्या घरचा लॉक फुटलेला होता। मग त्यांना कळवलं, ते तसेच निघाले तिथनं। आपल्या घरून या चोरीच्या दरम्यान काय काय गेलं? चांदीचे भांडे गेले। किती रुपये किमतीचे असतील? तसंच 60-70,000। 60-70,000 रुपये। बंडावार यांच्या इथून 60-70,000 रुपये चोरी झाली। तर त्यांच्या बाजूने जे आहे वानखेडे म्हणतात, सुधीर वानखेडे यांच्याकडूनही मोठी चोरी झाली आहे। त्यांना विचारू, दादा मला सांग तुझ्या घरी ही चोरी झाली, तुझ्याकडून काय काय गेलं? माझ्याकडून 20,000 रुपये रोख रक्कम आणि जवळजवळ 16 तोळे सोनं गेलेलं आहे। ह्यात ही चोरी झाली तेव्हा आपण कुठं होते? मी माझ्या बहिणीच्या गावाला रक्षाबंधन निमित्त गेलो होतो 2 तारखेला, आणि सोमवारी मला कळालं की माझ्या घरचे लॉक तुटलेले आहे आणि माझ्या शेजाऱ्यांचे पण घरचे लॉक तुटलेले आहे। आणि त्यांनीच मला कॉल केला। तसेच मी आलो आणि पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिली आणि घरात एंट्री केली असता पूर्ण कपाटाचे दार तुटून आणि सगळं दागिने अस्तव्यस्त म्हणजे चोरीला गेले होते आणि कपडे कपाट अस्तव्यस्त झालेलं होतं। एकूणच पिंपळगाव परिसरात मोठी धाडसी चोरी झाली आहे। एका ठिकाणी म्हणजे 16 तोळे 16-20,000 कॅश, ते एका ठिकाणी जवळपास 70,000 ते 75,000 रुपयाचे चांदीचे जे भांडे होते ते चोरीला गेले आहे। हिंगणघाटात चोरीचे सत्र सुरू असून हिंगणघाट पोलीस या चोरीचा सुगावा लागत नाही किंवा चोरी डिटेक्ट होत नाही आहे। जवळपास ह्या गेल्या आठवड्याभरात एक तिसरी चोरी हिंगणघाट शहरात झालेली आहे। अशीच परिस्थिती हिंगणघाट शहरात आहे। न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येणूरकर की रिपोर्ट। राज्य के स्थानीय निकायों के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की जायज मांगों को सरकार लगातार नजरअंदाज करी है। इसलिए प्रदेश में शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के शिक्षकों ने शिक्षक दिवस पर सामूहिक लघु अवकाश पर रहकर सरकार की उदासीन नीति पर नाराजगी व्यक्त की है। सरकार लगातार शिक्षकों को शिक्षण से दूर रख रही है और स्थानीय स्वशासी स्कूलों और शिक्षकों की उचित मांगों को हल करने में उपेक्षा करी है। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति ने 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस पर इसका विरोध किया है। इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना लागू करने, मुख्यालय निवास की शर्त को रद्द करने, नए शिक्षकों की शीघ्र भर्ती करने, स्थानांतरण की नई प्रस्तावित नीति को रद्द करने, 7वें वेतन आयोग के एरियर्स की किस्तें तुरंत देने की मांग की गई। शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तरह गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्ते को बढ़ाकर कम से कम 25 रुपए किया जाए। 10, 20 या 30 वर्ष की सेवा के तहत सुनिश्चित प्रगति योजना का कार्यान्वयन, समान स्नातक वेतनमान लागू किया जाए, विषय स्नातक शिक्षकों के लिए विस्तार अधिकारी, समूह शिक्षा अधिकारी पद के लिए बीएड का भुगतान किया जाना चाहिए, स्लम स्कूल के शिक्षकों की बुनियादी सेवा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, शैक्षणिक और ऑनलाइन कार्य दैनिक शिक्षण कार्य को प्रभावित कर रहे हैं, इस संबंध में कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं, इस सवाल को लेकर शिक्षक समिति की ओर से शिक्षक दिवस पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। सामूहिक लघु अवकाश आंदोलन में बड़ी आज जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकणारी मुलं हे वाड्या वस्त्यावरील आणि गोर गरिबांची मुलं आहेत, परंतु कुठेतरी या विद्यार्थ्यांजवळ आपला शिक्षक थांबलाच नाही पाहिजे अशी व्यवस्था शासनाने निर्माण केली आहे। मोठ्या प्रमाणात
अशैक्षणिक कामाचा बोजा शिक्षकांवर आलेला आहे। एवढंच नव्हे तर जिल्हा परिषद शाळा या शिक्षकांअभावी कोरड्या पडलेल्या आहेत। मोठ्या प्रमाणात लाखोंच्या संख्येने संपूर्ण राज्यभर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत। वारंवार मागणी करून सुद्धा शासनाने पद भरण्यास तयार नाही। जर शासनाने आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर येणाऱ्या अधिवेशनावर लाखोंच्या संख्येने शिक्षकांचा जमावडा तयार करून आम्ही शासनाच्या विरोधात हेलगाव करणार आहोत आणि एक मोठा आंदोलन शासनाविरोधात आम्ही करणार आहोत। या निमित्ताने मला सांगावं असं वाटतंय की आज शासनाने समाज आणि शिक्षकांमध्ये एक दुपडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एकतर शाळेमध्ये शिक्षक द्यायचे नाही, शाळेमध्ये गुरुजीला थांबू द्यायचे नाही आणि उलट ज्या पद्धतीने या बहुजन विद्यार्थ्यांसोबत एक प्रकारचा घातपात शासन घालत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात अशैक्षणिक कामं आम्हाला लादलेली आहेत। आमची इच्छा अशी आहे की विद्यार्थ्यांना शिकू द्या आणि शिक्षकांना शिकू द्या, ही रास्त मागणी आमची या प्रसंगी आहे की शासनाने शिक्षकांना ते विद्यार्थ्यांजवळ थांबू द्यायचं आणि आमचं जे आमचं मूळ जे काम आहे की शिक्षण विद्यादानाचं ते आम्हाला मूळ काम आम्हाला करू द्यावा, ह्या प्रकारची मागणी आम्हाला या निमित्तानं आहे। आणि कुठेतरी ह्या विद्यार्थ्यांचा गुणात्मक आणि जो शैक्षणिक दर्जा आहे हा दर्जा वाढला पाहिजे यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं तर ज्या सोयी सुविधा जिल्हा परिषदमध्ये शासनाने द्यायला पाहिजे, एकतर कुठल्याही शाळेमध्ये चपराशी किंवा लिपिक वर्गीय पदं नाहीत आणि वरून जेही मंजूर शिक्षकांची पदं आहेत ते सुद्धा तुटक्या फुटक्या स्वरूपामध्ये आज शिक्षकांची पदं आहेत। 7 वर्ग 2 शिक्षक किंवा 4 वर्ग 1 शिक्षक कुठं शिक्षकच नाही अशा पद्धतीची परिस्थिती शासनाने निर्माण केली आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या शिक्षणामध्ये एक मोठा अंतर निर्माण होत आहे। म्हणून शासनानं तातडीनं शिक्षकांची पदं भरावीत आणि ज्या काही जाचक अटी आहेत आपल्या त्या रद्द कराव्या। आज 5 सप्टेंबर आजचा दिवस प्रत्येक शिक्षकासाठी गौरवाचा असते, सम्मानाचा असते, तरी पण शासन शिक्षकांच्या मागण्यांना न्यायसंगत जे मागण्या आहेत ते ज्यांची गरज आहे त्यांना ते दुर्लक्षित करीत आहे। म्हणून सर्व शिक्षक वृंद इकडे 5 सप्टेंबरला किरकोळ रजा आंदोलन करीत आहेत, कारण शिक्षकांना वेळोवेळी जे अशैक्षणिक कामे, ऑनलाईनचे कामे, जे सर्वेचे कामे देत आहेत त्यामुळे विद्यार्थी शिकू शकत नाही। म्हणून आज आम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या, आम्ही शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना वेळ देऊन द्या म्हणून हे आम्ही आपली मागणी घेऊन एकसोबत सार्वजनिक किरकोळ रजा आंदोलन करीत आहोत। ह्याच्यानंतर आणि पण एक मोठं आंदोलन होणार, कारण हे जे आहेत ना हिच्यामुळे आमचे विद्यार्थी व समाजांच्या खूप व शिक्षकांच्या त्यांच्या कुटुंबाच्या खूप कुठेतरी नुकसान होत आहे। म्हणून आता हे आंदोलन करीत आहोत, कारण आम्ही जे गोरगरिबांचे मुलं बहुजनांचे मुले आमच्या जिल्हा परिषद शाळेत शिकते परंतु आम्ही शिक्षक त्यांना वेळ देऊ शकत नाही, कारण आमच्या मागे इतके अशैक्षणिक कामे, ऑनलाईन कामे लागलेली आहेत। म्हणून आम्ही हे आंदोलन करून आम्ही विद्यार्थ्यांहितांसाठी, शिक्षक हितांसाठी, समाज हितासाठी सर्वजणांनी एकत्र येऊन सामूहिक रजा आंदोलन करीत आहोत। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। सावने तालुका के पाटन सावंगी गांव के पास स्थित हनुमान मंदिर के पास एक शेड पर 5 तारीख को रात में लगभग 2 बजे आकाशीय बिजली गिरी, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई लेकिन शेड में रखा लाखों का सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रति वर्ष की तरह श्रावण मास के अवसर पर 4 से 5 सितंबर को बाबुलखेड़ा स्थित हनुमान मंदिर में यह 2 दिवसीय भागवत सप्ताह था। कल 5 सितंबर दोपहर से रात तक सैकड़ों श्रद्धालु ने महाप्रसाद का कार्यक्रम किया। बारिश के कारण महाप्रसाद कार्यक्रम रात 10 बजे समाप्त हुआ। बचा हुआ अनाज, तेल, बिछायत व सजावट की सामग्री, खाना बनाने के बर्तन व अन्य सामग्री रात 12 बजे तक आयोजकों, सजावट संचालक, कर्मचारी व सहायकों ने एकत्र कर मंदिर के बगल वाले एक कमरे में रख दी और सभी घर चले गए। रात के समय क्षेत्र में हल्की बारिश और बिजली चमकने लगी। रात करीब 2 बजे जिस कमरे में वही सामान रखा था अचानक बिजली गिर गई। बिजली का झटका बहुत तेज था। बिजली गिरने से हॉल में दरार आ गई। कमरे में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। गनीमत ये रही कि साइड में बने जल भंडारण टैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है और उक्त घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि लोगों के घर और जानवरों के कोठे कुछ दूरी पर थे। सुबह होने पर भी जिस स्थान पर बिजली गिरी वहाँ सामान जल रहा था। सुबह खबर लगते ही सैकड़ों ग्रामीण मंदिर परिसर में उमड़ पड़े। डेकोरेशन व कैटरिंग सेंटर के संचालक योगेश्वर 7 पैसे का करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की सामग्री के नुकसान और मंदिर प्रशासन का 2 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान होने का अंदेशा व्यक्त कर सरकार से सहायता की मांग पंचायत समिति सदस्य सविता जिस्कर, सरपंच निशा जिस्कर, गजानन मरसकोले, रामचंद्र जिस्कर, गणेश चौधरी, भैयालाल भारसकड़े, रविन्द्र जोड़, दिवाकर जिस्कर आदि ने की। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।
चामोर्शी के ठाकरे क्षेत्र के कई गांव में आश्रय के बिना साप्ताहिक बाजार नहीं लगता है, इसलिए क्षेत्र के व्यापारियों, नागरिकों और महिलाओं को बाजार के लिए आश्रय जाना पड़ता था, क्योंकि यह आर्थिक रूप से किफायती नहीं था। और इसलिए ग्राम पंचायत की पहल पर ठाकरे में 5 सितंबर से निःशुल्क साप्ताहिक बाजार खोला गया। ठाकरे चपराला मार्ग पर एक गांव है और यहां एलूर, कुनाघाड़ा, बाल, चपराला, रामनगटा, चौरपल्ली, चादनखेड़ी, सिंगमपल्ली आदि कई गांव है, लेकिन यहां कोई साप्ताहिक बाजार नहीं होने के कारण उस गांव के नागरिकों को जाना पड़ता है। आश्रय में साप्ताहिक बाजार जो आर्थिक और सुविधाजनक रूप से किफायती नहीं था, क्षेत्र के ग्रामीणों की यहां बाजार लगाने की मांग थी। ठाकरे ग्राम पंचायत के सरपंच नंदताई कुलसंगी, उप सरपंच विठल अचेवर, सचिव विठल अमानार, सदस्य सीताराम कुलसंगे, विकास कन्नाके, आनंद टोटावार, पल्लवी येलम, सिंधु गलपले, सुरेखा आचेवार, पुष्पा कुर्बेती, गंगूबाई मड़ावी आदि सदस्यों और ग्रामीणों ने ग्राम सभा में 5 सितंबर से साप्ताहिक बाजार लगाने का निर्णय लिया। पिछले 2 महीनों से जागरूकता बढ़ाई गई। आश्री सहित सभी गांव में बाजार आयोजित करने के बारे में विठल अचेवर, सचिव विठल अमानार, सभी बाजार की शुरुआत सदस्यों और ग्रामीणों की उपस्थिति में पूजा अर्चना करके की गई और इसका व्यवसायियों, नागरिकों और क्षेत्र के निवासियों ने खूब स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए ठाकरे के सरपंच नंदाताई कुरसंगे ने कहा कि जब से मैंने सरपंच का पद संभाला है, तब से आदर्श ग्राम के विकास के लिए अनेक गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए चामोशी से बबन वडेटीवार की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।